हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का जो कंपोजिशन है, फंक्शन है, वो आज हम देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। कंपोजिशन, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक। ओके, इट इज द पेल येल्लो लिक्विड। ओके, गैस्ट्रिक जूस इट इज अ पेल येल्लो लिक्विड। इन वन डे 2 to 3 liter गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड। ओके, इन वन डे 2 to 3 liter गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड। एक दिन में 2 से 3 liter तक गैस्ट्रिक जूस क्या होता है यहाँ पे, हमारे स्टमक में सीक्रेट होता है। उस गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या है ये हम देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द वाटर। ओके, क्या होता है? वाटर। नेक्स्ट, मिनरल साल्ट, इट कंसिस्ट ऑफ द मिनरल साल्ट। देन म्यूकस, इट कंसिस्ट ऑफ ए म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज द HCl, इट कंसिस्ट ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन एंजाइम सच एज पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक रेनिन, दीज आर द एंजाइम्स ऑल्सो इन द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। देन इंट्रेंसिक फैक्टर, ओके, देन इंट्रेंसिक फैक्टर ऑल्सो इन द गैस्ट्रिक जूस। देन वॉट इज द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस? Water liquefies the food. Whatever water present in the gastric juice, that water liquefies the gastric juice. क्या करता है food को? Gastric juice में जो water है food को क्या करता है? वहाँ पे liquefy करता है. Next, the HCl from the gastric juice, the HCl acidifies the food. Food को क्या करता है? Acidify करता है and stop the action of the salivary amylase. सलावेरी एमाइलेज के एक्शन क्या करता है? ये स्टॉप करता है। थर्ड, HCl किल्स द माइक्रोब्स। ओके, वट एवर माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द फूड पार्टिकल्स, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल बाय द HCl। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर नहीं जानी चाहिए, दैट कॉजेज द इन्फेक्शन, सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल इन द HCl। ओके, किल बाय द HCl। देन पेप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय HCl। वॉट HCl डू एग्जैक्टली? इट एक्टिवेट द पेप्सिनोजेन, ओके, टू द पेप्सिन। दिस डाइजेस्ट द प्रोटीन टू द पेप्टोन्स एंड द पेप्टाइज। प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो किसकी वजह से होता है? पेप्सिन की वजह से। एंड द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन इज बाय द HCl। ये कौन करता है? HCl ये एक्टिवेशन करता है। देन इंट्रेंसिक फैक्टर हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अगर होना है तो इंट्रेंसिक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। देन म्यूकस विच इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूट, दैट म्यूकस प्रिवेंट द मैकेनिकल इंजरी टू दी स्टमक वॉल। ओके, स्टमक वॉल में कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो, इसलिए क्या होता है वहाँ पे म्यूकस का लेयर पूरा फॉर्म हो जाता है। अगर म्यूकस वहाँ पे कम है तो एसिड जो है वो सीक्रेट जो होने वाला है वो एसिड हमें क्या कर सकता है? इरिटेशन भी कॉज कर सकता है और एसिडिटी भी हमारी क्या हो सकती है यहाँ पे बर्न हो सकती है, और इरिटेशन भी हो सकता है और एसिडिटी भी क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। सो म्यूकस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी स्टमक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कॉम्पिटिटिव फार्मा यूट्यूब चैनल। थैंक्स वंस अगेन।